इस कहानी की शुरुआत में हम एक हाईवे पर एक तेज रफ्तार से आगे बढ़ती हुई एक कार को देखते हैं और उसी कार में हम एक्वेरियम में बंद एक लिजर्ड को भी देख पाते हैं जिसका नाम रेंगो था। तभी वो कार किसी कारण से अनबैलेंस हो जाती है और रेंगो अपने एक्वेरियम के साथ ही कार से नीचे गिर जाता है और वह एक्वेरियम वहीं पर टूट कर बिखर जाता है और इस बात की जानकारी रेंगो के मालिक तक को नहीं पहुंची थी, इस कारण वह अपनी कार लेकर वहां से चले जाते हैं। अब रेंगो अब उस हाईवे तपती धूप में खड़ा हुआ था, तभी उसे किसी के दहाड़ने की आवाज आती है। पीछे मुड़कर जब वह देखता है तो उसे वहाँ पर एक अजीब सा एनिमल नजर आता है जिसका नाम रोडकिल है। रेंगो उसकी मदद के लिए उसके पास जाता है। रोडकिल रेंगो से मदद मांगता है। वह बताता है कि वह उसके देवदूत यानी स्पिरिट ऑफ द वेस्ट के पास जा रहा था, तभी उसे एक कार ने जोर से टक्कर मार दी और उसकी यह हालत हो गई कि वो ठीक से चल भी नहीं पा रहा। उसकी ये सारी बातें सुनने के बाद रेंगो को रोडकिल के ऊपर गुस्सा आता है क्योंकि रोडकिल के कारण ही रेंगो उस कार से नीचे गिर गया था, क्योंकि रेंगो की कार डिसबैलेंस रोडकिल के टकराने के बाद ही हुआ था। जब वो दोनों आपस में बातें कर ही रहे होते हैं तभी एक और कार वहाँ से तेजी से आती है और रेंगो को अपने साथ ले जाती है। इस कारण रेंगो एक के बाद कई कारों से टकराकर इधर उधर गिरने लगता है और आखिर में वह एक बार फिर से रोडकिल के पास आकर ही गिर जाता है। रेंगो की हालत अब बुरी तरह से पतली हो चुकी थी, इस कारण उसे अब प्यास भी लगने लगी थी क्योंकि वह एक घने रेगिस्तान में मौजूद था जहाँ दूर दूर तक कहीं पानी नहीं था। इस कारण रोडकिल उसे बताता है कि पास के एक गांव में कुछ लोग पानी गिराने के लिए किसी तरह का रिचुअल कर रहे हैं और जल्दी वो लोग पानी हासिल कर लेंगे। अगर तुम्हें अपनी प्यास बुझानी है तो तुम्हें उस गाँव की तरफ निकलना होगा। रोडकिल की बात सुनकर रेंगो अब उसी गाँव की तरफ निकलने लगता है ताकि वह अपनी प्यास बुझा सके और वो इस दौरान उस गाँव को भी एक्सप्लोर कर सके। रास्ते में चलते वक्त उसे एक मेंढक मिलता है जो उसे कहता है कि वह यहीं पर बिना हिले डुले छिप जाए क्योंकि वह आने वाली है। रेंगो उसकी किसी भी बातों को नहीं समझ पाता लेकिन वह उस मेंढक के कहने पर वहीं पर बैठ जाता है। वहां पर एक बहुत ही बड़ी ईगल आ जाती है जो रेंगो को देख लेती है और उस पर झपट पड़ती है, लेकिन किसी तरह रेंगो उस ईगल को एक टीन के डब्बे में फंसा देता है और वो जाकर एक कांच की बोतल में छिप जाता है और उसी बोतल के अंदर से वो उस ईगल को चिढ़ाने लगता है क्योंकि उसे लगता है कि शायद वो ईगल रेंगो का अब कुछ बिगाड़ नहीं सकता। लेकिन ऐसा नहीं था, वह ईगल उस कांच की बोतल सहित रेंगो को अपने साथ ले जाने लगता है। लेकिन तभी उस ईगल को वही मेंढक नजर आता है तो ईगल रेंगो को छोड़ देता है, अब उस मेंढक के पीछे पड़ जाता है। जैसे ही ईगल उस बोतल को नीचे फेंकता है तो वह टूट जाती है और रेंगो अब खुले में था, इस कारण ईगल एक बार फिर से रेंगो को पकड़ने के लिए भागता है। लेकिन किसी तरह रेंगो अपने आप को बचाने की कोशिश करता है, इस कारण ईगल मेंढक को ही पकड़कर अपने साथ ले जाता है और रेंगो को वार्निंग देकर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद रेंगो वहाँ से उस गांव की तरफ आगे बढ़ने लगता है जहाँ पर रास्ते में उसे एक लेडी लिजर्ड मिलती है जिसका नाम बीस था। वो अपने हाथों में गन लिए रेंगो से पूछती है कि आखिर वह कौन है और वो कहाँ जा रहा है। तो रेंगो से बताता है कि वह पास ही के गाँव में पानी की तलाश में जा रहा है। बीस उसकी बातें सुनकर उसे अपने साथ टांगे में बिठाकर उसी गाँव की तरफ लेकर आगे बढ़ती है। उस टांगे में बहुत सारी पानी की बोतलें रखी हुई थी, ऐसा लग रहा था कि शायद बीन्स भी पानी की तलाश में घूम रही थी। और कुछ ही देर में वो लोग उस गांव तक पहुंच जाते हैं जहां रेंगो को अपने टांगे से उस गांव के बाहर छोड़कर वहां से चली जाती है। जैसे ही रेंगो उस गांव में एंट्री करता है तो उसे वहां तरह तरह के एनिमल नजर आते हैं जो उसने पहले कभी नहीं देखे थे और वह उन सारे एनिमल्स की एक एक करके नकल उतारने लगता है और यह सब करते हुए उसे बेहद मजा आता है। इसके बाद वो गांव के एक स्टोर में पानी की तलाश में पहुंचता है जहां वह उस रेस्टोरेंट मालिक से पानी मांगता है, लेकिन वहां मौजूद लोग रेंगो की बातों को सुनकर जोर जोर से हंसने लगते हैं। उन्हीं में से एक एनिमल रेंगो को बताता है कि यहां पर पानी तो उसे नहीं मिलेगा, अगर उसे अपनी प्यास बुझानी है तो उसे नागफनी का रस पीना होगा। उस एनिमल की बात सुनकर रेंगो को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। तभी वहां मौजूद एक और एनिमल रेंगो को चिढ़ाने लगता है और से कहता कि क्या उसे अपनी माँ की याद आ रही है। लेकिन रेंगो उन सभी लोगों के सामने बड़ा बहादुर बनने लगता है। वो बताता है कि उसे उसकी माँ की याद नहीं आ रही बल्कि उसकी माँ उसे रोज याद करती है। इसके बाद वहाँ मौजूद सारे लोगों को रेंगो की बहुत सारी बातों को सुनना पड़ता है। इस दौरान रेंगो अपने कई कारनामे सुनाने लगता है, वो अपने मुँह मिठू मियाँ बनने लगता है। तारीफों के पुल बांधने के बाद वहाँ मौजूद सारे लोग उस पर यकीन करने लगते हैं क्योंकि रेंगो अपनी बातों को इस तरह पेश
कर रहा था कि रेंगो सचमुच ही इतना बहादुर है, लेकिन ऐसा नहीं था। इधर हम बींस को देखते हैं जो उस गांव के वाटर टैंक में मौजूद है, जो वहां के मैनेजर को पानी के लिए कह रही है, लेकिन वहां का मैनेजर उसे पानी देने से साफ साफ मना कर देता है। वह बताता है कि उसे पानी चाहिए तो वह गाँव के मेयर के पास जाए, वही उसकी मदद कर सकते है। इधर हम रेंगो को देखते है जो अभी भी उसी रेस्टोरेंट में मौजूद है और वहाँ के लोगों को अपनी तारीफें सुना रहा था, और वहाँ के लोग बड़े मजे के साथ सुन रहे थे और उसकी बातों को सच मान बैठे थे। तभी वहाँ पर उस शहर का एक डोन आता है जिसका नाम बेडविल था। रेंगो उसके सामने भी बड़ा बहादुर बनने लगता है और वह बेडविल को सिगरेट और शराब से जला देता है, जिससे गुस्सा होकर बेडविल उसे चुनौती देता है और रेंगो को बहादुरी साबित करने के लिए कहता है, और उन दोनों के बीच एक फाइट ऑर्गेनाइज करवाई जाती है, जिससे यह साबित होगा कि रेंगो और बेडविल में से सबसे ज्यादा ताकतवर कौन है। अब जैसे वो सारे लोग उस फाइट को देखने के लिए बाहर जाते हैं, वहाँ पर रेंगो एक बार फिर से अपनी तारीफों के पुल बांधने लगता है। इससे पहले कि बेडविल और रेंगो के बीच किसी तरह की फाइट हो, इससे पहले ही वहाँ पर एक बहुत बड़ा ईगल आ जाता है। इस कारण वहाँ मौजूद सारे बड़े और छोटे एनिमल उस ईगल से डरकर अपने अपने घरों में छुप जाते हैं। यह सब देखकर रेंगो को भी लगता है कि शायद वहाँ के लोग और बेडविल उससे बहुत ज्यादा डरे हुए हैं, और वह एक बार फिर से अपनी हाँकने लगता है, क्योंकि उसने उस ईगल को नहीं देखा था, वो उसके पीछे खड़ा हुआ था। लेकिन जैसे उसकी नजर उस ईगल पर पड़ती है, वह अपने आप को बचाने के लिए वहाँ से भागने लगता है, और वो ईगल भी अब उसका पीछा करने लगता है। और इसी भागा दौड़ी में रेंगो की बेवकूफी के चलते ईगल जो उसका पीछा कर रहा था वह मारा जाता है। और यह सारी चीजें देखने के बाद गाँव वाले बहुत ज्यादा खुश होते हैं और उन्हें लगता है कि रेंगो सच में ही बहुत बहादुर है। इस कारण वो लोग डिसाइड करते हैं कि वह लोग गांव के मेयर से रेंगो की मुलाकात कराएंगे, ताकि मेयर रेंगो को इस गांव की सुरक्षा के लिए अपने पास ही रख लें। इसके बाद रेंगो गांव के मेयर के पास पहुंचता है, जहां गांव का मेयर रेंगो को बताता है कि गांव के लोग बहुत उदास हैं, जो पानी के लिए मारे मारे फिर रहे हैं, और तुम्हें गांव की भलाई के लिए बहुत कुछ करना है। तुम्हें गांव वालों के विश्वास को बनाए रखना होगा। मेयर उसे उस गांव का शेरी बना देता है, ताकि रेंगो उस गांव के लोगों की रक्षा कर सके और उन लोगों का भला कर सके। इधर हम बींस को देखते हैं जो वाटर टैंक के मैनेजर को बताती है कि उसे कहीं ना कहीं लगता है कि गांव का मेयर ही गांव के लोगों को धोखा दे रहा है, और यही कारण था कि गांव के लोग पानी के लिए मोहताज थे। इसलिए वाटर बैंक का मैनेजर बींस को बताता है कि वह खुद अकेले ही मेयर की जासूसी कर सकती है, लेकिन इसमें वो उसकी कोई मदद नहीं करेगा। वह बताता है कि वह गांव के नए इंस्पेक्टर से भी इस बारे में मदद मांग सकती है, जो कोई और नहीं बल्कि रेंगो ही था। इसके बाद बींस रेंगो से मिलने और गांव की पानी की समस्या को बताने के लिए उसके पास जाती है, लेकिन रेंगो तो अब हवा में उड़ने लगा था, वह बींस को पहचान भी नहीं रहा था। इस कारण बींस को उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और उसे भला बुरा कहते वो वहां से चली जाती है। इसके बाद रेंगो जब वहां से बाहर निकलता है तो उसे वहां पर बहुत सारे एनिमल्स नजर आते हैं, जो अपने हाथों में घड़े लेकर लाइन से कहीं जा रहे होते हैं। दरअसल वो लोग पानी लेने के लिए किसी तरह की रिचुअल कर रहे थे। रेंगो यह देखकर उन्हीं लोगों में शामिल हो जाता है, जहाँ एक कुआ रेंगो को बताता है कि जल्दी तुम्हारी मौत होने वाली है, क्योंकि अब रेटल स्नेक कांचा आने वाला है, क्योंकि तुमने ईगल को खत्म कर दिया है। रेटल स्नेक कांचा उस ईगल से डरा करता था, और यही कारण था कि अब वो स्नेक इस गांव के लोगों पर अटैक करेगा। इस दौरान वो कुआ रेंगो को कुछ कब्रों के बारे में भी बताता है जो वहीं पर बनी हुई थी, और वो कब्रें उन्हीं इंस्पेक्टर की थी जो इस गांव में पहले इंस्पेक्टर रह चुके थे, जिन्हें कांचा ने बड़ी बेरहमी से खत्म कर दिया था। यह सारी चीजें सुनने के बाद और देखने के बाद रेंगो पूरी तरह से डरा हुआ था। इसके बाद गांव के सारे लोग उसी जगह पर इकट्ठा हो जाते हैं, जहां पर एक नल द्वारा पानी निकलने वाला था। गांव का मेयर रेंगो को सभी लोगों से आगे आने को कहता है। रेंगो भी उसी नल के पास आकर अपने हाथों में घड़ा लेकर खड़ा हो जाता है, लेकिन जैसे ही उस नल का हैंडल घुमाया जाता है, उस नल के अंदर से बहुत सारा कीचड़ नीचे आकर सीधा रेंगो के ऊपर गिर जाता है। यह देखने के बाद गांव के सारे लोग और गांव का मेयर भी पूरी तरह से चौंक जाते हैं, क्योंकि अब गांव के उस वाटर बैंक में भी पानी नहीं बचा था। अगर पानी होता तो उस नल से नीचे जरूर आता। यह देखने के बाद गांव का मेयर बताता है कि हमारे इस गांव को किसी तरह का श्राप लगा हुआ है, इसी कारण हम पानी के लिए इतने तरस रहे हैं। लेकिन तभी वहाँ मौजूद बींस मेयर को बताती है कि ऐसा कुछ नहीं है, इन सब चीजों का कारण मेयर ही है, जो गाँव के लोगों के लिए पानी तक मुहैया नहीं करा पा रहा है। वो वहाँ मौजूद सारे लोगों को बताती है कि अब वाटर बैंक में भी पानी नहीं बचा है, और वह लोग इस
तरह से तो मारे जाएंगे। इस कारण सारे लोग इकट्ठा होकर वाटर बैंक की तरफ जाते हैं और वहाँ पर प्रोस्टेट करने लगते हैं ताकि उन लोगों को किसी भी तरह पानी मिल सके। तभी वहाँ पर रेंगो भी आ जाता है जो वाटर टैंक वाली जगह पर खड़ा होकर सारे लोगों को बताता है कि वह इस गांव की सारी समस्या यहाँ तक कि पानी की समस्या भी दूर कर देगा। वह जल्दी इसके लिए कुछ बड़ा कदम उठाएगा और ऐसा कहते हुए बहुत सारा पानी उन्हीं लोगों के सामने पी जाता है। यह सब देखकर वहाँ खड़े लोग बहुत ज्यादा हैरान होते हैं क्योंकि देखते ही देखते रेंगो बहुत सारा पानी पी गया था और उन लोगों को पीने के लिए एक बूंद भी पानी नहीं मिल रहा था। अगले दिन रेंगो जब उस वाटर बैंक में मौजूद था तब वहाँ पर पानी लूटने के लिए कुछ लोग आते हैं और गलती से रेंगो उन लोगों की मदद कर देता है क्योंकि अब उसकी जिम्मेदारी उस पानी की रक्षा करना भी था और इसी कारण वो चोर वहाँ का सारा पानी लूट कर अपने साथ ले जाते। इस कारण वहाँ के सारे लोग अब रेंगो के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा थे क्योंकि उसकी देखभाल होने के बावजूद भी वाटर बैंक पूरी तरह से लूट चुका था। इस कारण रेंगो एक फैसला करता है कि किसी भी तरह वो उन लुटेरों से अपना पानी वापस लेकर आएंगे। इस कारण वो सारे लोग उसी तरह आगे बढ़ने लगते हैं जहाँ रास्ते में उन लोगों को वाटर बैंक मैनेजर की लाश मिलती है। इस कारण बिंस उस बैंक मैनेजर की डेड बॉडी का अंतिम संस्कार करने के लिए कहती है। सारे लोग मिलकर मैनेजर के लिए प्रे करने लगते हैं। इस दौरान रेंगो को वहाँ पर मिट्टी में कुछ नमी महसूस होती है और वो लोग समझ जाते हैं कि वह उन लुटेरों के बहुत नजदीक पहुँच चुके हैं क्योंकि नमी इस बात का सबूत है। इसके बाद वो सारे लोग उसी रास्ते से आगे बढ़ने लगते हैं जहाँ रास्ते में एक बार फिर से रेंगो अपनी बहादुरी के किस्से उन लोगों को सुनाने लगता है। इसीलिए एक एनिमल रेंगो से कांचा के बारे में पूछता है तो रेंगो से बताता है कि कांचा तो उसका भाई था। लेकिन यह सब सुनने के बाद वहाँ मौजूद एक और एनिमल उसे टोकता है और उसे बताता है कि कांचा तो एक स्नेक है और तुम एक गिरगिट, तुम कैसे भाई हो सकते हो। तो रेंगो से बताता है कि उसकी माँ ने रेटल स्नेक को गोद लिया था, इस कारण वह उसका सोतेला भाई है। इस दौरान वो अपनी बॉडी पर रेटल स्नेक के काटे हुए निशान को भी दिखाता है ताकि उन लोगों को उसकी बातों पर यकीन हो जाए कि उसकी उसके साथ हाथापाई हो चुकी है। तभी एक दूसरा एनिमल भी उसी तरह का एक निशान रेंगो को दिखाता है। उन लोगों की सारी बातें सुनकर वहाँ पर एक दूसरा एनिमल उन लोगों को रोकता है और उनसे कहता है कि वह उस रेटल स्नेक के बारे में बात ना करे क्योंकि उसे बहुत ज्यादा डर लग रहा है। इसके बाद अगली सुबह होने पर वो लोग एक बार फिर से उस पानी की तलाश में आगे बढ़ते हैं जहाँ एक पहाड़ी पर आने पर उन्हें वही चोर नजर आते हैं जिन्होंने उनकी वाटर बैंक से पानी चुराया था और वह चोर वही थे जिनकी मदद रेंगो ने की थी। इस कारण वह किसी तरह से अपने उस पानी को वापस लेने के लिए प्लान बनाने लगते हैं और देखते ही देखते वो लोग उन चोरों पर अटैक कर देते हैं। लेकिन तभी जमीन से बहुत सारे चूहे बाहर निकलते हैं जो रेंगो और उसके साथियों पर अटैक करने लगते हैं। लेकिन रेंगो किसी तरह चालाकी से उन लोगों से वह पानी छीन कर वहाँ से भागने लगता है। लेकिन कुछ ही देर बाद आसमान में बहुत सारे चमगादड़ नजर आते हैं जो अब रेंगो और उसके साथियों को पानी नहीं ले जाने दे सकते थे। इस कारण वह चमगादड़ उन पर अटैक कर देते हैं और रेंगो को एक चमगादड़ अपने साथ लेकर उड़ जाता है। किसी तरह रेंगो के साथी उस पानी की बोतल को लेकर वहाँ से भाग ही रहे होते हैं लेकिन तभी वहाँ पर वह लुटेरे आ जाते हैं जो देखते हैं कि वह पानी की बोतल तो खाली है क्योंकि उन लोगों के आने से पहले ही किसी ने उस पानी को एक बार फिर से चुरा लिया था। इस कारण लुटेरे बहुत ज्यादा गुस्सा थे। इसके बाद रेंगो किसी तरह अपनी जान बचाकर अपने साथियों को लेकर गांव के मेयर के पास पहुंचता है जहां मेयर के पैर के जूतों में उसी तरह की मिट्टी देखता है जैसी मिट्टी वाटर बैंक मैनेजर वाली जगह पर मौजूद थी। इस कारण रेंगो को मेयर के ऊपर शक होता है और उसे बताता है कि पानी की किल्लत के लिए तुम ही जिम्मेदार हो और तुम ही इन लोगों को पानी के लिए तरसा रहे हो। इसके बाद गाँव का मेयर किसी तरह रेंगो को अपनी तरफ करने की कोशिश करता है। वो उसे बताता है कि तुम्हें इन गांव वालों की इतनी फिक्र नहीं करनी चाहिए। लेकिन रेंगो अब पूरी तरह से गांव वालों की तरफ हो चुका था, इस कारण वो उसका साथ देने से मना कर देता है। वो बताता है कि अब वह भी इस गांव का हिस्सा है और यहाँ के लोग उसी के दोस्त हैं और वह उन लोगों के लिए कुछ भी कर सकता है। रेंगो के इस तरह के जवाब के बाद गाँव का मेयर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वह उस गाँव में वहाँ के रेटर स्नेक कांचा को बुलाने के लिए कहता है। इधर हम गाँव वालों को देखते हैं जिन्हें पानी न मिलने की वजह से उनमें बहुत ज्यादा गुस्सा है जो बहुत ही ज्यादा भड़के हुए थे। किसी तरह रेंगो उन लोगों को समझाने की कोशिश करता है और उन्हें बताता है कि वह किसी भी तरह उन लोगों के लिए पानी की व्यवस्था करेगा क्योंकि वो अब इसी गांव का हिस्सा है। लेकिन गांव वाले उसकी किसी भी बात को नहीं मानते। तभी वहाँ पर कांचा स्नेक आ जाता है जिसे देखकर गांव के सारे लोग एक बार फिर से डर जाते हैं।
हैं। इसके बाद कांचा स्नेक वहाँ आकर रेंगो का मजाक उड़ाने लगता है। वह गांव के सारे लोगों को बताता है कि किस तरह से रेंगो ने उन लोगों को बेवकूफ बनाया। रेंगो कांचा का कोई भाई नहीं है, वह तो सिर्फ यहाँ के लोगों को बेवकूफ बना रहा था ताकि वह वहाँ पर रह सके। उसकी सारी बातें सुनने के बाद रेंगो पूरी तरह से दुखी हो जाता है और इस दौरान उसे गाँव वालों की सच में ही चिंता थी, लेकिन चाहते हुए भी वह उस गाँव में अब नहीं रुक सकता था। इस कारण वह वहाँ से जाने लगता है। कुछ दूर पहुँचने पर उसे स्पीड ऑफ द वेस्ट नजर आता है। जो ने बताता है कि तुम्हें उन गांव वाले लोगों को इस तरह से छोड़कर नहीं आना चाहिए था, क्योंकि यह लोग सिर्फ तुम्हारे भरोसे ही जिंदा है, क्योंकि उन लोगों को तुम पर यकीन है। और वो बताता है कि मेयर किस तरह से गाँव वालों की जमीन हड़पना चाहता है, इसीलिए वो वहाँ के लोगों को पानी के लिए मोहताज कर रहा है। वो वहाँ मौजूद एक शहर के बारे में उसे बताता है कि यहाँ के लोग बहुत ज्यादा खुशी से रहा करते थे और वहीं पर हम रोड किल को भी देख पाते हैं, जो स्पिरिट ऑफ द वेस्ट को ढूंढने के लिए निकला था, जिसकी मुलाकात पहले ही रेंगो से हो चुकी थी। इस दौरान स्पिरिट ऑफ द वेस्ट रेंगो को बहुत सारी बातें बताते हैं। वह बताता है कि किस तरह से गांव के लोगों ने गांव के मेयर को बनाया और वह चाहता था कि उस गांव के लोग पानी के बिना तरस जाए और वहां पर किसी तरह की फसल या लोग ना बचे और मजबूरन गांव के सभी लोग वहां की सारी जमीन मेयर को बेच दे। यह सारी बातें सुनने के बाद रेंगो बहुत ज्यादा गुस्से में था। इस कारण वो फैसला करता है कि किसी भी तरह से वो गांव वालों की जमीन नहीं बिकने देगा और उन्हें पानी से भी मोहताज नहीं होने देगा। इस कारण वो एक बार फिर से उसी गांव में जाता है, जहां उन लोगों को बताता है कि उन लोगों को पानी हासिल करने और अपनी जमीन को बचाने के लिए उसके पास एक आइडिया है। इसके बाद हम बीन्स को देखते हैं, जिसे कांचा ने कैद करके रखा हुआ था, जो मेयर के साथ मिलकर बीन्स की जमीन को हथियाने के लिए उस पर ट्राई कर रहे थे और उसे टॉर्चर कर रहे थे। लेकिन तभी वहां पर रेंगो आ जाता है, जो किसी तरह से कांचा को उकसाने की कोशिश करता है और उसे कहता है कि वो अगर इतना ज्यादा ताकतवर है तो उससे लड़ाई करे। इसके बाद कांचा और रेंगो लड़ने के लिए बाहर आते हैं, जहां बहुत सारे लोग मौजूद थे। लेकिन तभी रोडकिल वाटर बैंक के पानी के वॉल को खोल देता है, जहां मेयर ने पानी छिपा कर रखा हुआ था, जिसके बाद वहां बहुत सारा पानी आने लगता है और वहां मौजूद सारे एनिमल वहां से बहने लगते हैं और इसी पानी के बहाव में कांचा भी बहने लगता है। इस बीच मौका देकर मेयर किसी तरह बीन्स और रेंगो को पानी की टैंक में कैद कर लेता है और वो अब कांचा को भी मारने वाला था और वह उसके ऊपर गन पॉइंट करता है। इधर हम पानी के टैंक में बीन्स और रेंगो को देखते हैं, जो एक दूसरे को किस करते हैं, क्योंकि इस दौरान वो एक दूसरे करीब आ चुके थे। और इसी किस के दौरान बीन्स के मुंह में मौजूद वह गोली रेंगो के मुंह में आ जाती है। इस कारण रेंगो को खांसी आती है और वह गोली उस वाटर टैंक को तोड़कर बाहर आती है, जिससे टैंक का सारा पानी बाहर आने लगता है और इस बार फिर से मौजूद वहाँ के सारे लोग बहने लगते हैं। इसके बाद अब कांचा बहुत ज्यादा गुस्से में था, इस कारण वह मेयर को पकड़कर वहाँ से ले जाने लगता है, क्योंकि गांव का मेयर अब कांचा का दुश्मन बन चुका था। जाने से पहले कांचा रेंगो की बहादुरी को सलाम करता है, क्योंकि उसने सच में ही उस गाँव वालों के लिए बहुत कुछ किया था और उसने कांचा की भी जान बचाई थी। अब उस गाँव में मौजूद सारे लोग रेंगो की इस बहादुरी को सलाम करते हैं और सच में ही रेंगो उन लोगों के लिए एक फरिश्ता से कम नहीं था, क्योंकि उसने उन गांव वालों के लिए बहुत कुछ किया था। और फिल्म के लास्ट सीन में हम उन्हीं सारे गांव वालों को देखते हैं, जो गांव के बाहर बने हुए एक बीच पर अपनी जिंदगी को बहुत अच्छे से गुजार रहे थे। और इसी के साथ यह मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। उम्मीद है आपको आज का हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आप ऐसी और वीडियोस देखना चाहते हैं तो एंड स्क्रीन पर क्लिक करके वॉच कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।